जो रिजोल्यूशंस 2014-15 में लिए थे वो कम्प्लीट करना चाहूँगी, एंड 2016 के लिए नो रिजोल्यूशंस, क्योंकि पहले उन्हें कम्प्लीट करूँ उसके बाद 2016 के लिए रिजोल्यूशंस होंगे। नया साल प्रोबेबली दोस्तों के साथ आउटिंग करके, लाइक जो भी फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स पुणे में प्रोबेबली, सो आइदर आई विल कॉल हियर और आई विल गो देयर, सो उनके साथ ही पूरी नाइट हाँ सेलिब्रेट करेंगे, किसी क्लब में किसी पब में जाएंगे और वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करेंगे, इन्जॉय करेंगे। नए साल के लिए ये प्लान है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं हम लोग, एंड दैट्स इट। रिजोल्यूशंस यही है जो नेशन के लिए कर सकते हैं, जो खुद के लिए कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें वो सारी चीज़ें करना चाहेंगे जी। सेलिब्रेट तो ऐसा है, कोई पार्टीज वार्टीज में जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और सबको खुश रखें, खुद भी खुश रहें। फिलहाल तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन घर वाले तो है नहीं यहाँ पे, तो दोस्तों के साथ ही मनेगा, ऑफिस में मनेगा। हाँ, सिटी कितना क्लीन रखे, जहाँ पे भी रह रहे हैं पूरी सिटी कितना क्लीन रखे, और सेम मैसेज बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करें कि आप क्लीन योर सिटी। एटलीस्ट जो अभी तक होते आया, लोग पान खा के यहाँ थूकते वहाँ थूकते हैं, लोगों को जितना एडवाइस कर सके करेंगे, मतलब पोलाइट वे से, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे सुनने में, और खुद भी जहाँ पे भी रहेंगे उस सिटी पूरा क्लीन रखेंगे, सो दैट हाँ धीरे धीरे हमारा इंडिया पूरा क्लीन लगने लगे, ताकि बाहर से जो लोग भी आएँ उन सबको हमारा देश हमारा शहर बहुत अच्छा लगे। या जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, एंड जो मोदी जी एंड ऑल ने जितना रिवॉल्यूशन किया है इंडिया में वो फॉलो करें, दैट्स इट। तो मोदी जी बहुत अच्छा उन्होंने काम स्टार्ट किया है और हम लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए उसमें, और जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। इसके अलावा रिजोल्यूशन का ऐसा था कि अपना इंदौर है इसको स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, साफ करिए, सब अपने अपने दम पे करेंगे तो ही हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा इसके अलावा।